हेलो व्यूअर्स वेलकम टू कंपीट आई क्यू योर गेट वे टू एग्जाम सक्सेस आज हम करेंगे टॉप 25 फाइव जीकेजीएस एमसीक्यू वी वाई क्यू प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया है विद डिटेल सोल्यूशन ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा जिसमें भी जीके जीकेजीएस पूछा जाता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड लेट्स बिगिन द ओनली इंडियन टू बी एवॉर्डेड विद द भारत रत्न एंड निशान ए पाकिस्तान इज निशान ए पाकिस्तान एज वेल एज भारत रत्न किस ओनली इंडियन को दिया गया है आज तक देन करेक्ट आंसर आप लोग पिक्चर देख के बहुत लोग गलत ऑप्शन uh, टिक कर सकते हैं ही इज नॉट पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इज मोरारजी देसाई तो करेक्ट आंसर इज मोरारजी देसाई विच फेमस वर्ल्ड पॉलिटिशियन वॉस निक नेम्ड इज द आयरन लेडी आयरन लेडी किसको जाना जाता है देन मार्गरेट थे यूके की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मार्गरेट थे इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है तो करेक्ट आंसर इज मार्गरेट थे बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड विथ हुच डांस फॉर्म बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड विथ कथक तो करेक्ट आंसर इज कथक उस्ताद बिस्मिल्ला खा वॉज फेमस देश प्लेयर उस्ताद बिस्मिल्ला खा इज़ अ फेमस शहनाई प्लेयर तो करेक्ट आंसर इज शहनाई What इज़ द नॉर्मल प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल version ऑफ our नेशनल एंथम नेशनल एंथम को फुल version को कितने टाइम के लिए गाया जाता है इट इज़ संग फॉर फिफ्टी टू सेकंड करेक्ट आंसर इज फिफ्टी विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली एंड कोलकाता दिल्ली एंड कोलकाता को कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे टू एंड नेशनल हाई वे वन किस को कनेक्ट करता है देन अमृतसर एंड न्यू दिल्ली को कनेक्ट करता है नेशनल हाई वे वन नेशनल हाई वे टू जो हुए हैं फिर वो न्यू दिल्ली से कोलकाता तक आता है एंड जो नेशनल हाईवे वन से नेशनल हाईवे सेवन तक है ये इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है एग्जाम में आप लोग उन सबको याद कर लीजिएगा फिलहाल मैंने वन एंड टू बता दिया अगर आप लोगों को और भी नेशनल हाईवे के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो ले आऊंगी फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नेशनल हाईवे टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इज लोकेटेड एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी आप लोग पिक्चर देख के ही बता सकते हैं इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कोलकाता तो करेक्ट आंसर इज कोलकाता नेशनल वाटर वे टू हैज बीन एस्टेब्लिश्ड ऑन विच रिवर नेशनल वाटर वे टू जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में लोकेटेड है तो करेक्ट आंसर इज ब्रह्मपुत्र इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट्स तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र हुइच नेशनल पार्क इज नोन फॉर एशियटिक लैंड्स एशियटिक लैंड्स के लिए गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में लोकेटेड है इज़ फेमस गिर नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है ये भी पूछा जाता है टाइम टाइम पर तो आप लोग याद रखना इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात करेक्ट आंसर इज गिर नेशनल पार्क व्इच स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स संघाई फेस्टिवल इन नवम्बर सांगाई जो है एल डियर के सब स्पेसिस है जो एंडेंजर्ड है अभी पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ये पाए जाते हैं विच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड लोकटक लेक के ऊपर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क सिचुएटेड है एंड इसी एंडेंजर्ड स्पेसिस को ऑनर करते हुए सांगाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ मणिपुर देश इज़ नोन एज इंडिया स्पाइस गार्डन स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया को केरला को जाना जाता है केरला फॉर इट्स वेरियस प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस एंड लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस भी इंडिया है इंडिया का स्पाइस गार्डन केरला को कहा जाता है तो करेक्ट आंसर इज़ केरला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु आई आई एस सी कहाँ पे है देन आई आई एस सी जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फुल फॉर्म है ये बेंगलुरु में लोकेटेड है तो करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु हु बुक इग्नाइटेड माइंड आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं इग्नाइटेड माइंड्स इज वन ऑफ द फेमस राइटिंग्स ऑफ डॉक्टर ए पीजे अब्दुल कलम आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर इज एपीजे अब्दुल कलम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया दी नोबल पीस प्राइज इज़ एवॉर्डेड इन विच सिटी नोबल पीस प्राइज़ जो है देखिए पीस के कैटेगरी में जो नोबल प्राइज दिया जाता है वो ओसलो में दिया जाता है टोटल सिक्स कैटेगरीज में नोबल प्राइज दिया जाता है सिक्स फील्ड्स में दैट इज़ एंड इन सिक्स फील्ड्स में से फाइव फील्ड्स तो जो नोबल प्राइज दिया जाता है जिन फाइव फील्ड में वो सभी स्टॉक होम में दिया जाता है लेकिन जो पीस प्राइज़ है वो दिया जाता है ओसलो में तो करेक्ट आंसर इज ओसलो एंड बाकी जो फाइव कैटेगरीज और हैं वो है लिटरेचर फिजिक्स केमिस्ट्री फिजियोलॉजी और मेडिसिन एंड पीस एंड एक और कैटेगरी है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स को बाद में इंक्लूड किया गया तो इन सभी कैटेगरीज में दिया जाता है स्टोक स्वीडन में लेकिन जो पीस प्राइस है वो दिया जाता है ओस्लो, नॉर्वे में तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ओस्लो। विच ऑफ़ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ इज नोन एज मेट्रोमैन एलट टू वलपिल श्रीधरन को मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको मेट्रोमैन ऑफ इंडिया क्यू कहा जाता है देन इनको इनके सक्सेसफुल डेली मेट्रो के एग्जीक्यूशन की वजह से विथ द स्टिपुलेटेड बजट बहुत ही कम बजट में इन्होंने डेली मेट्रो को कम्प्लीट किया था एंड एक्जीक्यूट किया था उसके ग्रैंड सक्सेस के लिए इनको निकलेम दिया गया है एज मेट्रोमैन ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर इज एलट टू वल्लपिल श्रीधरन ई श्रीधरन भी कभी कभार एग्जाम में दिया जाता है एज ऑप्शन विच इज़ दी हाएस्ट गैलेंटरी अवार्ड इन इंडिया हाएस्ट गैलेंटरी एवॉर्ड जो है वो है परमवीर चक्र देखिये हाएस्ट सिविलियन अवार्ड अलग है एंड हाइस्ट गैलेंटरी अवार्ड अलग है हाएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो आप लोग के लिए होमवर्क है कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए एंड हाएस्ट गैलेंटरी अवार्ड जो है वो है परमवीर चक्र मिलिट्री के फील्ड में दिया जाता है एंड हाएस्ट सिविलियन अवार्ड सिविल फील्ड में दिया जाता है फॉर कंट्रीब्यूशन टू दोसाइटी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है परमवीर चक्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेडेडेड एड देश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इट इज़ लोकेटेडेड इन द स्टेट ऑफ हैदराबाद दो करेक्ट आंसर इज हैबाद तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड बिटवीन इंडस एंड झेलम रिवर ये देखिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी इसको किसने इस्टेब्लिश किया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडस एंड झेलम विक्रम Sarabhai Space स्पेस सेंटर an एन इम्पोर्टेंट रिसर्च situated सिचुएटेड इन Vikram विक्रम Space Center स्पेस सेंटर जो है वो थिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है तो करेक्ट आंसर इज थिरुवंनंतपुरम इसरो वॉज प्रीवियसली नोन एज इंकोस्पार इनकोस्पार का फुल फॉर्म क्या है देखिए इसरो को पहले इंडियन नेशनल कॉमिटी फॉर स्पेस रिसर्च जाना जाता था इट वॉज सेटअप बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नाइनटीन एंड जो बाद में रीनेम किया गया एज इसरो बाय साइंटिस्ट विक्रम साराभाई इनकोस्पार को बाद में ग्रो किया गया रीनेम किया गया एंड ये इसरो हो गया कब देन 15th ऑफ ऑगस्ट 1969 को इसरो फॉर्म हुआ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है तो आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखना